हेलो। जिला हमीरपुर के गसोत्ता महादेव शिव मंदिर का खास महत्व है। हजारों साल पुराना शिवलिंग लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है। देश भर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गसोत्ता महादेव शिवलिंग की पूजा करने पहुंचते हैं। गसोत्ता महादेव के पवित्र स्थल का नाम पुराणों में पांडव काल से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान गसोत्ता महादेव मंदिर में कुछ समय व्यतीत किया था, जिसके चलते आज भी गसोत्ता महादेव मंदिर में लोगों की आस्था कूट कूट कर भरी है। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की बेहतर सुविधा हर दिन होती है। यहाँ पर गौशाला भी है, जिसमें गायों के लिए लोग स्वेच्छा से घास व अन्य सामग्री दान कर सकते हैं। गसोत्ता महादेव मंदिर के पुजारी महंत राघवानंद गिरी ने बताया कि गसोत्ता महादेव मंदिर लोगों की प्राचीन आस्था का केंद्र है। गसोत्ता महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूर दूर से लोग मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। गसोत्ता महादेव मंदिर में शिवलिंग हजारों साल से स्थापित है। जनश्रुति के अनुसार एक बार एक किसान गसोत्ता में अपने खेत में हल जोत रहा था। उस दौरान हल किसी वस्तु से टकराया तो वहां से जल धारा निकली। बाद में दोबारा हल टकराया तो दूध निकला। तीसरी बार जब हल टकराया तो खून निकला, तो किसान की आंखों की रोशनी चली गई। बाद में किसान को इस संदर्भ में आए सपने के अनुसार वहां स्वयंभू शिवलिंग निकला तथा उसे स्थापित करने के लिए कहा गया। ग्रामीणों के सहयोग से किसान ने गसोत्ता में शिवलिंग स्थापित किया तथा अपने लिए अभयदान मांगा, जो पूरा हुआ। गसोत्ता महादेव के महंत विवेकानंद गिरी महाराज ने बताया कि गसोत्ता महादेव एवं महादेव की पावन भूमि की महिमा का वर्णन इंद्रियों का विषय नहीं, अपितु मन के विज्ञान का विषय है। महादेव की पावन भूमि में भक्ति, शक्ति, मुक्ति एवं भक्ति से युक्त महादेव की पावन भूमि की सेवा से साधक सकल लोक की प्राप्ति कर सकता है। तो महादेव सदैव खास रहा है और सब कुछ खास ही है। ये स्वयंभू महादेव है, पिंडी है, सिद्धपीठ महादेव होता है और संपूर्ण प्रदेश के आस्था का केंद्र है। और महीनों से बेहद तैयारी चल रही है महाशिवरात्रि के भव्य आयोजन का, और बाल वृद्ध नर नारी सभी इसी उल्लास में हैं कि वह मुख्य महासंयोग, महापर्व महाशिवरात्रि का कितनी शीघ्र आए, उसी तैयारी में चल रहा है। हर जगह रंग रोगन, साफ सफाई और दूर दराज से आए हुए समस्त यात्री तीर्थगण, किसी को किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था न हो पाए, उसके लिए संपूर्ण तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। अभी शिव जी का चार पहर की रात में पूजा की जाती है। प्रातः काल से लेकर के संपूर्ण दिन और रात तक शिव जी का दर्शन होता है, जलाभिषेक चलता रहता है और रात्रि में विशिष्ट कलाकार द्वारा जगरात्रि का भी प्रोग्राम चलता है। ये सब आयोजन सुनिश्चित कर दिए गए हैं और भव्य लंगर, विशाल लंगर का भी आयोजन किया जाता है। और अभी महाशिवरात्रि की तैयारी का कार्यक्रम चल रहा है। अभी उसकी चारों तरफ से जो जहां हैं वहीं पर लगे हुए हैं इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए। यात्री, तीर्थगण, जो भी श्रद्धालु आए उनको किसी भी प्रकार का यहां कोई अव्यवस्था न हो पाए और शांति प्रीता से अच्छे ढंग से महादेव का दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाए और कृतार्थ हो। आयोजन बहुत ऐतिहासिक महादेव हैं, आज नहीं प्राचीन हैं। और प्राचीन हमें यहाँ 15 साल हो गया, हम जब से आए हर साल ये जगराता होता चला आया है और हर साल एक नए कलाकार उदयमान, जो हमारे प्रदेश स्तर के प्रसिद्ध कलाकार होते हैं, वो कलाकार जगराता के लिए आते हैं और हर साल नए कलाकार को मंच मिलता है महादेव जी की कृपा से। जो हिमाचल प्रदेश के मशहूर प्रसिद्ध गायक, जगराता कलाकार, भजन गायक कलाकार, लोकगीत कलाकार होते हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, उनका प्रोग्राम होता है। इस बार भी
वो सुनिश्चित हो गया है। अभी आपको कमेटी के द्वारा जानकारी मिलेगी कि कलाकार कौन है। इस समय उनके नाम का स्मरण में नहीं है और प्रोग्राम सुनिश्चित है।